झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र उन्नाव गेट बाहर नलों में पानी न आने की समस्या पर क्षेत्रवासियों ने जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास करते हुए लोगों को समझा बुझा रही है। वहीं पुलिस के काफी समझाने के बाद जाम खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक झांसी के उन्नाव गेट बाहर क्षेत्रवासियों ने आज सुबह पुलिया पर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि कुछ लोग अपने अपने प्लांटों से प्राइवेट तरीके से बोर कराकर पानी टैंकरों में पानी भरकर बेच रहे हैं, जिससे क्षेत्र का वाटर लेवल कम हो गया और क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। लगातार हो रही पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी संजय गुप्ता द्वारा क्षेत्रवासियों को काफी समझाने के बाद आश्वासन देने पर जाम खुलवाया गया। क्या नाम है? निर्मला देवी। छोटे बड़े सरकार के गली में पूछा व्यवहार घर के पीछे क्या मामला है, क्यों जाम लगाया हुआ है? इसलिए जाम लगाया, कच्चा रोड है और कमर कमर तक पानी भरता है। दिन भर सांप तैरते हैं, बच्चे डरते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोग निकल नहीं पा रहे, भूखे बैठे राशन पानी लेने नहीं जा पा रहे। पानी में बहुत निकल रहे टैंकर के, कम से कम उसके 70 टैंकर रोज पानी के जा रहे हैं, 70-80 टैंकर डेली जाते। ये तो अच्छी बात है कि टैंकर आ रहे हैं पानी के, आ नहीं रहे, यहाँ बोरिंग करी गई, बोरिंग से लिए जा रहे हैं। पानी का वाटर लेवल कम, मम्मा राय के नाम से है वो, 50-50 टैंकर जा रहे भर के, कम से कम 70 टैंकर लिए जा रहा रोज बेचने। हम उन्नाव गेट बाहर रहती है, सब लोग रहते परेशान हैं और बोरिंग कराया, उसमें बस्ती के अंदर बोरिंग कराया हुए है, 100 फुट करवाया उसमें बोरिंग, सबकी 40-40, 50-50 फुट है और पानी उतर रहा है लेकिन नीचे, सबको ही परेशान है। और टैंकर कम से कम एक दिन 50-50 टैंकर आते, 50-50 टैंकर आते और रोड इतनी गीली हो जाती कि सब लोग परेशान हो जाते निकलने, कोई निकल नहीं पाता, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम लोग खुद छक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सर यह बोरिंग कराई, इसका नाम क्या है? यारो परमानंद कुशवाहा। तो परमानंद कुशवाहा का प्लेट है और एक राय ने खुदवाई है, पप्पू राय ने। आपके यहाँ आपने नजदीकी पार्षद से नहीं कहा, शिकायत नहीं करी? कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती।